आपका अंडा कौन लेके चला गया? प्रियंका चौहान। ये ठीक नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी आप लोग देख ही रहे हैं, मैं पैदल जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू गाइस वन मोर ब्लॉग ऑफ माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं काजीरंगा। तो आज बने रहिए हम लोग के साथ। तो मैं फाइनली स्कूल के नजदीक आ गया अभी। तो इधर में दिखाई दे रहा है मेरा सब स्टूडेंट मेरे से थोड़ा पहले आ गया आज, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ एक झलक उन लोगों का। वाह, वो लोग देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। आई रियली एडमायर इट। हाय सर, हाउ आर यू ऑल? आर यू एक्साइटेड? कहाँ जाना है? रियली? ओके, सो हियर ऑल द स्टूडेंट्स। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करो, बेल वाला आइकन। Here is all the students of class 9. They are very excited for today's journey. And here is our vice principal. Hi. Are you excited, ma'am? Yes. I'm going first time, sir. First time? Yes. Achha. Guys, are you excited? Yes, sir. We are ready to go. तो सबसे मेन सामान एक बाकी रह गया था जो भी मेरे पास आ गया, वो है बैनर। क्योंकि एजुकेशनल टूर जाना है तो बिना बैनर का तो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को बांस में ये लगाना पड़ता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनली आ गया बैनर, अभी बैनर को लगाएंगे हम लोग। तो गाइस इधर देख, आप लोग देख रहे हैं कि बैनर आते ही और बैनर के साथ सभी लोगों का फोटोशूट हो रहा है अभी, मतलब सभी लोगों का ग्रुप फोटो वगैरह होगा। उसके बाद हम लोगों का यात्रा, जो यात्रा है, शुभ यात्रा आरम्भ करेंगे। आप लोग बने रहिए हम लोग के साथ अंत तक। चेयरमैन सर, तो इधर सर का एक अच्छा सा क्लिप और फोटो ले लेता हूँ, बिकॉज सर को पसंद है फोटो और क्लिप लेना। तो एक बात का मुझे अफसोस रहेगा कि मतलब हर बार हम लोग जब भी जाते हैं ना, इस बंदे को साथ में लेके जाते हैं, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, कुछ कारण, मतलब वो बंदा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, थोड़ा बोल दीजिए। कॉलेज खुला है ना, वजह से जाने नहीं पाए। आपको बहुत मिस करेंगे। देखना पड़ेगा ये सब भी ना, कॉलेज का देखना पड़ेगा। लास्ट में एक बात बता दीजिए, आपका बच्चे को कौन क्या करता है? आपका बच्चे को कौन क्या करता है? वाइफ। हियर द अटेंडेंस इज गोइंग ऑन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को लेके जा रहे हैं, मतलब अटेंडेंस तो चाहिए ना। आकाश, आकाश इज देयर, मनीषा, इमरान, उज्जल, पियू, हियर इज ऑल द गर्ल्स ऑफ क्लास 10। Okay, while we'll be in the bus, you will write your names and I'll pass this in the buses. You have to sign your whatever, like, your sign in your name. Press the thumb button. Girls, how is the Josh? Hi, sir. How is the Josh? Hi, sir. Yes, this is the excitement of our students. Yes, yes, we are. Absolutely, we are. Bye, sir. How is the Josh, guys? Hi, sir. How is the Josh? Hi, हाँ सर। दादा गाइड वालों पीछे करे दिन। प्रिंसिपल सर, एज वी आर गोइंग टू अवर काजीरंगा नेशनल पार्क, सो आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू क्वेश्चन टू सर। सर, वुड यू लाइक टू गिव अस कंस्ट्रक्शंस एंड ऑल रिगार्डिंग टू दिस टूर? सो दिस इज एजुकेशनल टूर, इट्स कर्सन वी आर प्लानिंग। सो दिस इज एजुकेशनल टूर एज वी आर गोइंग,
So our main idea is to educate students about the national park that we are visiting, that is Kaziranga National Park. Because Kaziranga National Park is facing lots of problems regarding poaching, overgrazing, overpopulation. The side of the Kaziranga is being occupied by the people, the population, and there is deforestation and all is taking place. So we are trying to educate our students to see that what we can do from our perspective, what they can learn from there. Means they will know the importance of wildlife animals, forest, then national parks, how national parks are helping in conservation of wildlife. So this is our main motive, to educate them. Of course, we are going to enjoy as well. So that is the main part of our educational tour, to make that productive. So that is जैसे कि हम लोग आज जा रहे हैं काजीरंगा बच्चों को लेकर, तो मैं चाहता हूँ कि आप दो शब्द बोलें हम लोग जो जर्नी कर रहे हैं आज. जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक एजुकेशन का एक पार्ट है एजुकेशनल टूर, ठीक है. तो आज हम लोग अरुणोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे को क्लास 9 और 10 को आज काजीरंगा नेशनल पार्क विजिट करवाने जा रहे हैं. जैसे कि हम लोग बच्चों में काफ़ी एक्साइटमेंट है पार्क को विजिट करने के लिए, और साथ में बच्चे वहाँ बहुत कुछ नए चीज़ को लर्न भी करेंगे, और साथ में वहाँ पे अर्किड पार्क को भी हम लोग विजिट करेंगे. और साथ में मैं सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और बेस्ट ऑफ लक देता हूँ कि वो लोग काफ़ी सक्सेसफुली अपने जर्नी को कंप्लीट करें. थैंक यू. थैंक यू सर. बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है. अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है. अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी. तो अभी हम लोग जा रहे हैं. ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है. तो गाइस फाइनली दिखाई दे रहा है उधर में, वेलकम टू काजीरंगा. अभी हम लोग जोखड़ा बांदा में है, तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे काजीरंगा में. दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो डेस्टिनेशन के सामने आए गए हम लोग, ठीक है. आप लोग बने रहिए, आज बहुत ही मतलब मजेदार होने वाला हम लोग का जर्नी, ठीक है. मैं दो लोग को दिखाता हूँ, ये लोग क्या क्या हम लोग को छोड़ के आ गया, मतलब ये दो शख्सियत है जो मतलब बीच रस्ते में छोड़ के आ जाते हैं. तो इधर में अभी फाइनली हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए इधर में. बहुत ही बढ़िया सीन है इधर का, दिखाएंगे आप लोगों को. इधर का कुछ स्ट्रेचेस दिखाई दे रहा है, तो पता चल रहा है कि इधर में एलिफेंट का आना जाना है. इसको भी थोड़ा ले लीजिए. तो आपको पता है इस एरिया का नाम क्या है? इस एरिया का नाम है बता सकते हैं? काजीरंगा एरिया पड़ता है. अच्छा, आप लोग आते रहते हो ना इधर में? साल में कम से कम 30 बार. इधर बहुत जगह हाथी का कोटी दिखाई दे रहा है. ये जो पूरा एरिया है पूरा चाय पत्ते का एरिया है, हमारे आसाम का प्राइड है. I will be
धोरेन्द्र सर अब ये गाना याद आ रहा है ना, काजीरोंगा बोर दुनिया एकुरे ही नहीं तुलो ना ता तोई कोई दुनिया तुमी कैसा खूना टुकड़ा। सच में दुनिया है क्या? यही नहीं अभी और सुनिए, काजीरोंगा बोर दुनिया बंद करो आज जो गजब बेइज्जती है। रॉय बाबू को गाने के लिए कौन रोक सकता है? तो गाइस हमें क्षमा करें ऐसा गाना परिवेशन करने के लिए। धोरेन्द्र सर ये कैसा बात है, आप अकेले अकेले ठूस रहे, ये तो ठीक नहीं है। आप अकेले अकेले इधर घूमेंगे तो कैसे मिलेगा? अच्छा लग रहा है सर, खाने के साथ एनवायरनमेंट भी अच्छा लग रहा है ना सर? क्या मैं बोलूं, लवली एनवायरनमेंट, नेचुरल। हाँ मैम मजा आ गया। अंडे एक बार में डाल देंगे मैम? रुको कितना अंडा खाया तुमने? प्रियंका मैम ये व्यक्ति अकेला 4 अंडा खा लिया, देखिए 2 तो पहले खा लिया, अभी 2 हाथ में है। ये व्यक्ति 4 अंडा खा रहे हैं, 2 अंडा पहले खा लिया उन्होंने, 2 अंडा है एक्चुअली 4 ना मैम, स्कूल का मैनेजर खुद ही बोल रहे 4 है, 2 पहले खा लिए और 2। आपका अंडा कौन लेके चला गया? प्रियंका चौहान। ये ठीक नहीं है सर, ये आपका पहला पीस है? फर्स्ट नो फर्स्ट टुडे फर्स्ट एंड फर्स्ट पीस योर इज सेकंड ओवर। तो इधर सभी लोगों का ब्रेकफास्ट खत्म हो गया, अभी हम लोग फिर से चलने लगे। अभी आप लोग देख रहे ऊपर में, देखिए बोर्ड में कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ तो दिखाई दे रहा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये बोर्ड जब भी सामने आता है ना एक्साइटमेंट बढ़ जाता है हम लोगों का। अभी चल रहे रास्ते में, उधर रास्ते में एक हाथी दिखाई दे रहा है, हाथी की सवारी कर रहे हैं। एक्चुअली मैं बास्केट कॉर्नर में दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने से, बस थोड़ा धीरे कर दीजिए इधर। बाबा दिखाई दे रहे गणेश बाबा मिल गए इधर में। तो अभी बहुत ही अच्छा लगा, 2 एलिफेंट को देखा हम लोगों ने, अभी हम लोगों ने ऑरेंज भी खिलाया। तो जैसे हम लोग सामने मतलब जा रहे हैं, हम लोग एक्साइटमेंट बढ़ने लगा, बच्चे लोग भी बहुत ही मतलब एक्साइटेड हैं। देखिए हाँ अभी हम लोग शायद पहले हम लोग ऑर्चिड पार्क में जाएंगे। तो अभी इस फर्स्ट एपिसोड का अंत समय आ गया है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून सेकेंड एपिसोड के लिए। बेटा जॉय